इंडियन क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान सौरभ गांगुली ने अपने दो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों लोकेश राहुल और अजिंक्य रहाणे का सही तरीके से ख्याल नहीं रखने के लिए भारतीय टीम प्रबंधन को आड़े हाथों लिया। इसे सीधे तौर पर कैप्टन विराट कोहली, हेड कोच रवि शास्त्री और मुख्य चयनकर्ता एमएसके प्रसाद पर हमले के तौर पर माना जा रहा है। लीड्स में इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे और अंतिम वनडे में भारत की हार के बाद गांगुली ने कहा कि भारतीय टीम शीर्ष तीन बल्लेबाज शिखर धवन, रोहित शर्मा और विराट कोहली पर कुछ ज्यादा ही निर्भर है। मध्यक्रम में लगातार प्रयोग से मजबूत शीर्ष क्रम वाली भारतीय टीम को नुकसान उठाना पड़ रहा है। गांगुली ने मैच के बाद आधिकारिक प्रसारण के दौरान कहा कि फिलहाल भारत की टीम शीर्ष क्रम पर काफी निर्भर है। अगर आपका शीर्ष क्रम रन नहीं बनाता तो आपको जूझना पड़ता है, ये बड़ा मुद्दा है। आपके पास इंग्लैंड जैसा स्तर होना चाहिए। पूर्व कप्तान ने कहा कि राहुल जैसे खिलाड़ियों को अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद अंतिम मैच में मौका नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आंखें बंद करके देखूं तो मुझे चौथे नंबर पर राहुल नजर आता है। आपके शीर्ष चार खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ होने चाहिए और आपको उनसे उनके साथ बरकरार रहना होगा। नेक्स्ट नाइन स्पोर्ट्स डेस्क रिपोर्ट। अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।